मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते अपने पूरे सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि गेट 2023 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी प्रतिज्ञा के लिए गेट एकेडमी के प्रतिज्ञा बैच में सम्मिलित होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करूंगा। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते अपने पूरे सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि गेट 2023 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी प्रतिज्ञा के लिए गेट एकेडमी के प्रतिज्ञा बैच में सम्मिलित होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करूंगा। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते अपने पूरे सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि गेट 2023 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी चलिए सभी बच्चे लोग जल्दी से आएंगे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, शुरू करते हैं हम लोग फिर आज का नेक्स्ट चैप्टर। चलिए ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है डैम्स, रिजर्वॉयर एंड स्पिलवे। और हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के बारे में भी कौन सा आपका थियरी ऑफ सीपेज होता है, मतलब वियर एंड बैराजेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। चलो चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है एसएससी जेई का आपका धमाका बैच लॉन्च हो चुका है, एक और बैच आपका लॉन्च हुआ है लाइव क्लास वाला भी, जिसके रिगार्डिंग कल आपको अमित सर ने बताया था, लाइव क्लास भी बैच आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है, तो आप वहां पे भी उसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से सभी लोग जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बता देंगे, चलो शुरू करें। गुड मॉर्निंग आर्यन शुक्ला, गुड मॉर्निंग। चलो देखो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर अर्थन डैम के लिए या अर्थ डैम के लिए, तो इसमें से कौन सा स्पिलवे लीस्ट सुटेबल है उसके बारे में बताइए। तो अगर आपने स्पिलवे पढ़ रखा होगा तो आपको ये पता है कि सर स्पिलवे जो है हमारे 4 से 5 टाइप के होते हैं। सर क्या क्या होता है? एक होता है हमारा ऑगी स्पिलवे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक होता है हमारा क्या ऑगी स्पिलवे, एक होता है हमारा छुटे स्पिलवे, एक फ्री फॉल स्पिलवे भी होता है छुटे स्पिलवे, एक होता है आपका साइड चैनल स्पिलवे। उसके बाद एक और हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक हो जाता है शाफ्ट स्पिलवे। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप के स्पिलवे होते हैं और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग डैम्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे तो छूटे स्पिलवे आप यूज कर सकते हो अर्थन डैम के साथ, साइड चैनल स्पिलवे भी आप यूज कर सकते हो, शाफ्ट स्पिलवे भी आप यूज कर सकते हो, मगर आप ऑगी स्पिलवे आप नहीं यूज कर सकते हो। किसके साथ? अर्थन डैम के साथ। तो आपको पूछा क्या गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर अर्थन डैम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों
में से अगर लीस्ट सुटेबल की हम बात करेंगे चारों में से, तो वो हो जाता है आपका क्या ऑगी स्पिलवे। अगर हम लीस्ट सुटेबल की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है सर, लीस्ट सुटेबल हमारा हो जाता है सर ऑगी स्पिलवे। ठीक है, तो अगर आपको कभी लीस्ट सुटेबल के बारे में पूछेगा कि अर्थन डैम के लिए लीस्ट सुटेबल कौन सा है, तो ऑगी स्पिलवे। बाकी तीनों को आप अर्थन डैम के साथ यूज कर सकते हो। शाफ्ट स्पिलवे सर क्या होता है, तो आपके डैम के बॉडी के अंदर देखो आप शाफ्ट बने होंगे जिसकी मदद से पानी आपका क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें स्पिलवे से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बताइएगा इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द डैम लाइज आउटसाइड द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस देन द डैम इज ससेप्टिबल टू आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या बोल रहे बेटा, कल का आपका एक क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है आर्यन सर, कल के एक क्वेश्चन में क्रॉस, बेटा क्रॉस ड्रेनेज वर्क सबसे ज्यादा कंटूर केनाल में होता है, साइड स्लोप में नहीं होता है। साइड स्लोप आपका कंटूर केनाल के परपेंडिकुलर चलता है, तो सबसे ज्यादा जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको देखने को मिलता है वो कंटूर में देखने को मिलता है, क्योंकि कंटूर केनाल आपका कंटूर लाइन के पैरेलल चलता है। और आपकी जो मान लीजिए कोई भी अगर एक स्ट्रीम होगी, तो स्ट्रीम कहां से आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, आपका केनाल और केनाल और स्ट्रीम की क्रॉसिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए वहां पे हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए बताइएगा इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द डैम लाइज आउटसाइड द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस देन द डैम इज ससेप्टिबल टू, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आपको अगर पता होगा फेलियर्स ऑफ ग्रेविटी डैम अगर आपने पढ़ रखा होगा, ग्रेविटी डैम कौन से तरीके से सर फेल कर सकता है, तो सबसे पहला जो है सर ये मेरे पास क्या ओवर टर्निंग फेलियर। सर सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड है सर मेरे पास कंप्रेशन फेलियर। सर थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड है मेरे पास टेंशन फेलियर। और फोर्थ क्या है मेरे पास, फोर्थ है मेरे पास स्लाइडिंग फेलियर। मेरा ग्रेविटी डैम ये चारों के चारों अलग अलग तरीके से या अलग अलग मोड्स में फेल कर सकता है। मेरा अगर मेरे पास एक ग्रेविटी डैम है, तो मेरा ग्रेविटी डैम ये चारों मोड्स में क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। अब ये चारों मोड्स के लिए आपको कंडीशन दिए गए हैं। अगर आप ओवर टर्निंग की बात करते हो, तो ओवर टर्निंग फेलियर कब होगा, जब आपका ओवर टर्निंग मूवमेंट ग्रेटर देन रेजिस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा। जब आपका अगर मूवमेंट जो ओवर टर्न करवा रहा है एम नॉट MO ओवर टर्निंग मूवमेंट अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है रेजिस्टिंग मूवमेंट से, तब आपका क्या होगा ओवर टर्निंग फेलियर होगा। यहाँ पे ओवर टर्निंग के लिए एक और केस याद रखिएगा, अगर आपका रिजल्टेंट आउटसाइड द टो पास कर रहा होगा, मतलब अगर आपका रिजल्टेंट टो के बाहर से पास कर रहा होगा, तो आपका ग्रेविटी डैम ओवर टर्निंग में फेल होगा। मगर ये केस आपको जनरली कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ओवर टर्निंग में आपका ग्रेविटी डैम कभी फेल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ओवर टर्निंग में ग्रेविटी डैम कभी फेल नहीं होता है, उससे पहले बाकी मोड्स में ये क्या होगा, फेल कर जाएगा। ओवर टर्निंग से फेल होने से पहले वो क्रशिंग में फेल कर जाएगा। ओवर टर्निंग में फेल होने से पहले जैसे जैसे आपका ओवर टर्निंग मूवमेंट बढ़ेगा, आपका जो टो पोर्शन है, टो पोर्शन पे क्या हो जाएगा डैम के आपका कंप्रेशन बहुत ज्यादा आने लगेगा, तो एक समय के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कंप्रेशन मतलब क्रशिंग से फेल हो जाएगा। ठीक है, बट ओवर टर्निंग से जनरली कभी फेल नहीं होता है आपका ग्रेविटी डैम। ओवर टर्निंग सबसे लास्ट केस है, उससे पहले ये तीनों कंडीशन में आपका ग्रेविटी डैम फेल कर जाता है। ठीक है, तो कंप्रेशन फेलियर के लिए आपको पता है, कंप्रेशन फेलियर के लिए जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके डैम के बॉडी के अंदर आ रहा होगा, वो छोटा किससे होना चाहिए, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट है जिससे ग्रेविटी डैम आपने बनाया है, उस कंक्रीट का जो परमिसिबल, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा अगर एक कोई परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और मेरे बॉडी के अंदर अगर कोई एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, तो अगर मेरे बॉडी पे जो कोई एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा होगा वो छोटा होना चाहिए मेरे बॉडी के अंदर से जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा, तब मेरा डैम कभी भी कंप्रेशन फेलियर में फेल नहीं करेगा। हाँ, टेंशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेंशन के लिए जो आपका रिजल्टेंट है वो कहां पे लाई होना चाहिए, वो आपका B/3 में लाई होना चाहिए, मतलब आपका जो सेंटर से अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट की जो इसेंट्रिसिटी वो B/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका इस साइड भी B/6, इस साइड भी B/6, तो अगर आप उसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, B/3 हो जाएगा, जिसको हम लोग मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। तो अगर मिडिल थर्ड कभी भी आपको दिखे, तो ध्यान रखिएगा ये एक ट्रिक है, अगर आपको कभी भी मिडिल थर्ड अगर दिखे क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके आप लोग टेंशन फेलियर मार्क कर दीजिएगा। अगर कभी भी उसने आपसे मिडिल थर्ड
प्रोडक्ट की बात की, आंख बंद करके आप लोग क्या मार करेंगे, टेंशन फेलियर। क्योंकि अगर टेंशन आपका, टेंशन में अगर आपके डैम को फेल नहीं होना है तो क्या होगा, तो उसके लिए आपका जो रिजल्टेंट है वो कितने में लाए होना चाहिए, आपका बी बाय थ्री में, सेंटर से बी बाय थ्री मतलब इधर बी बाय सिक्स इधर बी बाय सिक्स उसी के बीच में लाए होना चाहिए। अगर वो उससे बाहर चले जाएगा, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो मान लीजिए अगर ये डैम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये आपका ये सेंटर है, ये आपकी लाइन है, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये वाला रिजल्टेंट और इधर, मतलब ये क्या है आपका, ये टोटल बी है आपका, टोटल क्या है आपका बी, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा बी बाय सिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाय सिक्स, तो बी बाय सिक्स और बी बाय सिक्स कर दोगे तो बी बाय सिक्स प्लस बी बाय सिक्स ये क्या हो जाएगा आपका बी बाय थ्री। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मिडिल थर्ड रूल, क्या बोला गया इसको, मिडिल थर्ड रूल, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, टेंशन फेलियर, क्लियर है, आए ना हमें बताएंगे जल्दी से, चलिए सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग, हाँ या ना में जल्दी से बताएंगे, क्लियर है, चलिए बताइए हाँ या ना में, क्लियर है सभी को, अरे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हाँ या ना में बताइए क्लियर है या नहीं है, और सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक हमको रीच पहुंचानी है, ठीक है। आपका एसएससी जेई का लाइव बैच भी आ चुका है, जिसके रिगार्डिंग कल आपने सेशन देखा होगा, आपको अमित सर ने बताया था, एचओडी सर ने, तो वहां पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है, पूरा का पूरा लाइव वे में, आपको लाइव वे में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी वहां, ठीक है। चलिए बताइएगा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मेसनरी डैम ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन हूज बेस विड्थ इज बी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एस, आपको क्या पूछ रहा है, आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ली है, अगर आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन आपके रीच से बाहर है। अगर आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल के बारे में पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर पाएंगे। अब एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या है सर, एलिमेंट्री प्रोफाइल जो हमारी होती है, एलिमेंट्री प्रोफाइल की सर अगर मैं बात करूंगा तो ये डैम की प्रोफाइल के बारे में बताता है कि डैम का जो सबसे सिंपल प्रोफाइल है वो क्या होती है, वो होती है आपकी ट्रायंगुलर, जिसमें हम लोग सिर्फ तीन फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, एक तो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका पानी के कारण आ रहा होगा, दूसरा आपका अपलिफ्ट, अपलिफ्ट में भी हम लोग टेल वाटर कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ एक सिंपल प्रोफाइल रखते हैं जिसको हम लोग ट्रायंगुलर बोलते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, विड्थ का कैलकुलेशन करते हैं। तो जहां पे आपने देखा होगा विड्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू जी सी माइनस सी, ऐसे कुछ आपको फॉर्मूले देखने को मिले होंगे, विड्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट जी सी माइनस सी, अब ये जीसी की जगह आप एस भी लिख सकते हो, उसके बाद जैसे एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिला होगा, बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन म्यू इनटू जीसी माइनस सी, अब ये सारी चीजें क्या क्या है सर, जीसी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको यहाँ पे एस से डिनोट किया है, सी क्या है आपका अपलिफ्ट कोएफिशिएंट, क्या है अपलिफ्ट का कोएफिशिएंट, अगर नहीं गिवन है तो आप जीरो ले लोगे, अगर अपलिफ्ट लेने के लिए बोला है तो उस वैल्यू को हम वन लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, और मैक्सिमम हाइट की बात की है तो मैक्सिमम हाइट हमेशा आपको टेंशन फेलियर के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा, तो बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन अंडर रूट जी सी माइनस सी, अब सी तो आपको दिया नहीं है तो इसको मैं जीरो मान रहा हूँ, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट जी सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम हाइट की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, बी इंटू अंडर रूट एस, एस शुड बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इंटू अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, चलो तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताइए, एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज, ओवरफ्लो डैम को और क्या बोला जाता है, अब इसका आप लोग आंसर बताइए, हम एक मिनट में आ रहे हैं, एक सेकंड में हम आ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए, हम आ रहे हैं एक सेकंड। एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज, ओवरफ्लो डैम को और क्या बोला जाता है, हेलो हेलो, हाँ हेलो मोनिश, हेलो राम प्रकाश, हेलो अभी, हेलो आसिफ, हेलो आयतो, हाँ ओवरफ्लो डैम को और क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा, देखिए अब डैम की क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, डैम को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे अगर आपका एक होता है रिजिड और नॉन रिजिड, एक होता है रिजिड और नॉन रिजिड, एक होता है आपका ओवरफ्लो नॉन ओवरफ्लो,
जैसे ओवरफ्लो नॉन ओवरफ्लो में मतलब जैसे जो डैम से आप पानी का ओवरफ्लो अलाउ करते हो जैसे स्पिलवे, स्पिलवे को एक तरीके का ओवरफ्लो डैम बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पिल, आंसर क्या बन जाएगा सर, स्पिलवे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। बताइए अ ग्रेविटी डैम रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय, अगर एक ग्रेविटी डैम है वो एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे रेजिस्ट करता है। अ ग्रेविटी डैम रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय, ग्रेविटी डैम की देखो बेटा क्या खास बात होती है, मैं आपको आज वो बताता हूं। देखो ग्रेविटी डैम की ये खास बात होती है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को आप कंसिडर कीजिए ग्रेविटी डैम, मेरे ऊपर मान लीजिए सामने से कोई एक फोर्स लग रहा है, पीछे से कोई एक फोर्स लग रहा है, बगल से कोई एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से कोई एक फोर्स लग रहा है, और ये सारे फोर्सेस को मेरा जो सेल्फ वेट है वो रेजिस्ट कर रहा होगा, ये सारे फोर्सेस को जो मेरा अपना वेट है वो रेजिस्ट कर रहा होगा, इसी को बोला जाता है क्या, ग्रेविटी डैम। इस तरीके के डैम को ग्रेविटी डैम बोला जाता है, जो सेल्फ वेट होगी डैम की वो हमेशा क्या करती है, सारे के सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करती है। तो कभी भी जब आप फोर्सेस की एनालिसिस करते हो तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ये चाहते हो कि कोई भी एक ऐसा फोर्स ना आए आपके डैम पे जो आपके इफेक्टिव वेट को कम करे। जैसे अगर आप अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे कुछ कंडीशन ऐसे निकल के आते हैं जो आपके डैम को इफेक्टिव वेट को कम करते हैं, जैसे कैसे अपलिफ्ट हो गया या अर्थक्वेक फोर्सेस में कुछ केसेस बनते हैं। अपलिफ्ट कहां लगता है, अपलिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, सेल्फ वेट ऊपर से नीचे लग रहा है, तो अगर मैं सर इफेक्टिव वेट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कम निकल के आता है। तो इसीलिए हमेशा हम ये चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेविटी डैम मतलब वो डैम जिस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को उसका सेल्फ वेट रेजिस्ट कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा अ ग्रेविटी डैम रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय, तो देखो हाँ बटरेस विच ट्रांसफर लोड टू फाउंडेशन, ये बटरेस डैम तो है नहीं, आर्च एक्शन टू अपुटमेंट आर्च भी है नहीं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इससे नहीं होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, इट्स सेल्फ वेट। हमेशा ग्रेविटी डैम जो आपका रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्सेस को, सेल्फ वेट की मदद से ही रेजिस्ट करता है ग्रेविटी डैम एक्सटर्नल फोर्सेस को। ठीक है, चलिए चलिए यहां पे बताइएगा आपका एसएससी जेई का टेक प्लस नॉन टेक धमाका बैच लॉन्च हो चुका है, जैसा कि आपको पता है आपका ये भी बैच आ चुका है लाइव 1500 में, आपका लाइव बैच भी है जिसकी क्लासेस कल से चालू हो रही है, और कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग कल से मैं उसमें बैच में शुरू करने जा रहा हूं, और यहां पे जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें कवर की है उससे और बेहतरीन तरीके से आपको ऐप में देखने को मिलेगी। कल से हमारा चालू होने जा रहा है क्या, इरिगेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस। ठीक है, लाइव ऐप चालू हो रहा है, और वहां पे क्या क्या चलेगा सर आपका, ये आरसीसी भी चलेगा। ठीक है, तो आरसीसी और ये लाइव है, ये पूरा लाइव फॉर्म में, हाँ उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, बट प्री रिकॉर्डेड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका लाइव फॉर्म में क्लासेस चलेगी, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कल सर ने बता दिया था प्राइस इसका भी कितना है, 1500 इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी आपका कितना है, 1500 है, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। देखिए द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम ऑफ हाइट h इज b, बेस विड्थ कितना बोला है, b बोला है, और हाइट कितना बोला है, h। इफ g इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल एंड c कोएफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट, द रिलेशन फॉर नो टेंशन डेवलपमेंट एट हील ऑफ द डैम, कोई भी टेंशन आपका डेवलप फॉर नो टेंशन फेलियर, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था फॉर नो टेंशन फेलियर। सर जब मैंने ऊपर सर नो टेंशन फेलियर की बात की थी तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताया था, नो टेंशन के लिए क्या था, b इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट जी सी माइनस सी। क्या उसने कोई अपलिफ्ट कोएफिशिएंट को कंसीडर किया है, यहाँ पे देखिए c क्या है उसका, कोएफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट है। उसके बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोला है, g बोला है, बिल्कुल सर g स्पेसिफिक ग्रेविटी है, c कोएफिशिएंट है, तो b इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट जी सी जी माइनस सी, b is equal to h upon under root g minus c, b is equal to क्या हो जाएगा, h upon under root g minus c। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाया नामे बताएंगे एलिमेंट्री प्रोफाइल तो सभी बच्चों को पता है, आई होप एलिमेंट्री प्रोफाइल आप सभी बच्चों को पता है, डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है, मतलब जो सिंपलेस्ट प्रोफाइल होता है आपका डैम का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल बोलते हैं। जो सिंपलेस्ट प्रोफाइल आपके डैम का होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री प्रोफाइल बोलते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बेस विड्थ या हाइट का डिटर्मिनेशन करते हैं कि आपके डैम का मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, अलग अलग फेलियर्स को कंसिडर करके, और इसमें से जो मैक्सिमम निकल के आएगा हम उसको क्या रखते हैं, हमारे डैम का हाइट या हमारे डैम का जो विड्थ है हम उसको उस हिसाब से क्या है बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहां पे देखिए बताइएगा द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट स्लूस वे इन ए रिजर्वॉयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस स्टोरेज को,
स्टोरेज ऑफ द वॉटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट स्लूस वे इन ए रिजर्वायर इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर। इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होगा आई होप, स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर के रिगार्डिंग आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं है तो हम है, नहीं है तो बताने के लिए हम है, बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा, आंसर बताइए। डेड स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, लाइव स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, क्या होगा आंसर? डेड स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, लाइव स्टोरेज, आंसर क्या निकल के आएगा बताइए। चलिए देख लेते हैं। अब देखो इसके रिगार्डिंग जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, मान लीजिए ये आपकी एक रिवर फ्लो कर रही थी, इस रिवर पे आपने क्या बना दिया, डैम बना दिया कुछ इस तरीके से, इस रिवर पे आपने डैम बना दिया। अब आपको क्या देखना है सर, ये रिजर्वायर के अलग अलग स्टोरेजेस क्या होती है? तो पहला देखिए, एक नॉर्मल कंडीशन में जो आपका मैक्सिमम वाटर होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल। अब मान लीजिए जब फ्लड आएगी तो फ्लड में क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्टोरेज बढ़ जाएगा और पानी क्या है आपके स्पिलवे के ऊपर से फ्लो करने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वाटर लेवल। ये कब होगा, जब फ्लड आएगी। नॉर्मल कंडीशन में जो मैक्सिमम वाटर स्टोर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल या फुल सप्लाई लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल। और जब आपका फ्लड आएगा तो यहाँ पे स्टोरेज तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि पानी अब स्पिलवे के ऊपर से जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वाटर लेवल। ये हो गए दो। अब इसको हम, इसके बीच का जो स्टोरेज है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरचार्ज स्टोरेज। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्लूस गेट लगा होगा, डैम में बहुत सारे आपके स्लूस गेट होते हैं, अगर लास्ट स्लूस गेट से नीचे अगर आपका स्टोरेज पहुंच गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज, या डेड स्टोरेज बोल सकते हैं, या मिनिमम वाटर लेवल, मिनिमम वाटर लेवल बोल लो। और ये आपका स्टोरेज जो होगा यहाँ पे वाटर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ लोएस्ट स्लूस वे। ये जो लोएस्ट स्लूस वे है इसके नीचे का जो स्टोरेज है इसकी बात कर रहा है। अब इसके बीच में नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम वाटर लेवल के बीच में जो आपका स्टोरेज है इसको क्या बोला जाता है, यूजफुल और लाइव स्टोरेज, यूजफुल और लाइव स्टोरेज। इसका एक और स्टोरेज होता है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपका जो ये बैंक है, अगर ये परमिएबल होगा तो यहाँ पे भी कुछ पानी स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक स्टोरेज। और अगर आप रिवर के ऊपर डैम नहीं बनाते तो रिवर का अपना एक स्टोरेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैली स्टोरेज। तो टोटल इतने टाइप के आपको स्टोरेजेस देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, टोटल इतने टाइप के आपके स्टोरेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेवन क्या हो जाएगा, डेड स्टोरेज। द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट स्लूस वे इन अ रिजर्वॉयर इज कॉल्ड डेड स्टोरेज। क्लियर है सभी को? हाँ या ना में बताएंगे, हाँ या ना में बताएंगे, सारे ही याद हो गए, सारे स्टोरेजेस याद हो गए, सारे स्टोरेजेस याद हो गए सभी बच्चों को, बताइए हाँ या ना में, सारे स्टोरेजेस याद हो गए सभी को, हाँ या ना में बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताइए। यस बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके डैम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। वैली स्टोरेज मतलब देखो, अगर मान लीजिए आपने रिवर पे डैम नहीं बनाया होता, मान लीजिए रिवर पे आपने डैम नहीं बनाया होता, तो हर रिवर का अपना एक स्टोरेज होता है ना छोटा सा, अगर आप रिवर में जाते हो तो कुछ हाइट ऑफ वाटर स्टोर्ड होता है ना वहां पे, उसी को हम लोग वैली स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस रिवर पे डैम नहीं बनाया होता तो वहां पे उस रिवर का कुछ स्टोरेज होता, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं वैली स्टोरेज। ठीक है, तो रिवर का जो अपना स्टोरेज होगा अगर हम वहां पे डैम नहीं बनाते तो उसको हम लोग बोलते हैं वैली स्टोरेज। ठीक है, चलिए बताइएगा यहां पे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, आपके डैम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए, आपके डैम के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर, चलो हम बताते हैं। देखो, फॉर सेफ्टी ऑफ ए कॉन्क्रीट डैम अगेंस्ट ओवर टर्निंग, What must be the width of the dam of rectangular cross section of height 10 meter? If the height of water storage on one side of it is 9 meter, take unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube and unit weight of concrete as 25 होगा, यहाँ पे 25 कर लेना, 25 kilonewton per meter cube. Ignore the effect of uplift, friction and any other force. चलिए बताइए आंसर क्या निकल के आएगा?
बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो अब एक चीज आप लोग यहाँ गलती मत कीजिएगा, मैं वहां पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वहां पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो आपको क्या बोल रहा है, जनरली आप क्या करते हो, आप हमेशा जो है डैम का जो सेक्शन है ना उसको ट्रायंगुलर मान के सॉल्व करते हो, मगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज बोली गई है। क्या बोला गया है, हाइट ऑफ वाटर स्टोरेज ऑन वन साइड, एक चीज बोली गई है, क्या है, डैम का जो सेक्शन है वो क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है मतलब सर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये है आपके डैम का क्रॉस सेक्शन, ये आपके डैम का क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे वाटर की जो हाइट बोला है उसने, वाटर की हाइट कितनी दी है, देखो ध्यान से सुनना आप, सेक्शन ऑफ हाइट 10 मीटर, मगर वाटर की जो हाइट है वो 9 मीटर है, सेक्शन डैम की जो हाइट है वो 10 मीटर है, बट वाटर की जो हाइट है वो कितनी है, 9 ही मीटर है। तो आप डायरेक्टली एलिमेंट्री प्रोफाइल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो हाइट निकालने के लिए, ध्यान में रखना, डायरेक्टली एलिमेंट्री प्रोफाइल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि एलिमेंट्री प्रोफाइल जब हम कंसिडर करते हैं, तो मैं केस बता देता हूं। देखो कभी भी जब आप एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करते हो तो आप डैम को कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हो, और यहाँ पे जो आप वाटर का हाइट कंसिडर करते थे, ये पूरा का पूरा मतलब इस जितनी डैम की हाइट है उतना ही आपका क्या है, वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है, इसी को आप पूरा का पूरा क्या मानते थे, एच मानते थे एलिमेंट्री प्रोफाइल में, ठीक है। तो इसको आप पूरा का पूरा क्या मानते थे, एच मानते थे, और इस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाते थे। बट इस क्वेश्चन में डैम का हाइट और पानी का हाइट दोनों उसने बदल दिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दी है, इसकी हाइट दी है सर, इसकी हाइट दी है सर कितनी, 10 मीटर। यहाँ पे जो वाटर आपका स्टोर्ड है वो कितना है सर, वो है सर 9 मीटर। मान लीजिए कुछ इतना आपका वाटर स्टोर्ड होगा, कितना वो है आपका क्या, 9 मीटर। वाटर स्टोर्ड कितना है सर, 9 मीटर। आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप जनरली देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम वहां पे आ जाते हैं, ये तो आपका डायग्राम हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर सेफ्टी ऑफ कॉन्क्रीट अगेंस्ट ओवरटर्निंग व्हाट मस्ट बी द विड्थ ऑफ द डैम, हमसे क्या बात की है, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए डैम के, हमसे इसके बारे में पूछ रहा है, हमसे डैम की विड्थ के बारे में पूछ रहा है कि ये बता दीजिए विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं ओवरटर्निंग का कंडीशन देखता हूं, तो चलिए फॉर नो ओवरटर्निंग सर, मैंने जो नो ओवर टर्निंग के लिए कंडीशन पढ़ा था, रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओवर टर्निंग मोमेंट। तो रेजिस्टिंग मोमेंट किससे बड़ा होना चाहिए, ओवर टर्निंग मोमेंट से। अब यहां पे रेजिस्टिंग मोमेंट क्या है सर, रेजिस्टिंग मोमेंट ये है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये क्या है, ये आपका ओवर टर्निंग मोमेंट है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक है ये क्या है, आपका ओवर टर्निंग है, और रेजिस्टिंग कौन है सर, ये जो आपका डैम का सेल्फ वेट जो यहाँ पे लग रहा है ये क्या है, ये रेजिस्टिंग है। तो ये ओवर टर्न करवा रहा है, देखो ये टो के अक्रॉस अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो ये वाला जो फोर्स होगा, इस फोर्स का एक वैल्यू होगा ना, अगर इस फोर्स को अगर आप देखते हो तो इस फोर्स का आपका कुछ एक वैल्यू होगा जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, पी मान रहा हूँ, और ये पी कितने पे एक्ट करता है, अगर ये ट्रायंगुलर है तो बेस से आपका h/3 पे ये एक्ट कर रहा होगा, और ये पी कितना होता है सर, पी होता है हाफ गामा डब्ल्यू, ये गामा डब्ल्यू इंटू यहाँ पे क्या हो जाता है, एच हो जाता है, हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटू एच हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, पी इज इक्वल टू फोर्स हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, आपका गामा डब्ल्यू का हाफ, गामा डब्ल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, एच कितना है, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 5, ये हो गया P is equal to 81 × 5, ये हो जाएगा आपका कितना, 85 सर 400, ये हो जाएगा शायद आपका 81 × 5 405 ही होगा ना, 405 किलो न्यूटन होगा ना, बताइएगा जल्दी से, 81 × 5 कितना हो जाएगा, 405 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये पी है, ये पी कितना है सर, 405 किलो न्यूटन जो यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा, यही फोर्स क्या करेगा सर, ये फोर्स मेरे डैम को ओवरटर्न करवाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स मेरे डैम को ओवरटर्न करवाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इस टो के अराउंड, यहाँ पे मान लीजिए इस टो के अराउंड अगर मैं मोमेंट कंसिडर करता हूं, तो ये क्या कर रहा है, मेरे डैम को ओवरटर्न करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरटर्निंग मोमेंट मेरा कितना हो जाएगा सर, ओवरटर्निंग मोमेंट हो जाएगा 405 × ये देखो इसका लीवर आर्म क्या है, इसका लीवर आर्म ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है सर, h/3 मतलब 9/3, ये कितना हो गया 405 ×
थ्री, ये हो गया आपका ओवर टर्निंग मोमेंट। 405 इंटू 3 आपका क्या हो गया बेटा, ओवर टर्निंग मोमेंट। अब चेक कर लेते हैं सर रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा इस डैम का सेल्फ वेट, इस डैम का सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट कैसे निकालोगे सर, सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे, तो सेल्फ वेट आपको पता है गामा सी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे वेट निकालना है तो गामा सी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया इंटू आपका क्या हो जाएगा लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। और यूनिट लेंथ अगर हम मान के कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू क्या है, गामा सी दिया है कितना है 25, आपका हाइट कितना दिया है 10 दिया है, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, विड्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वॉल्यूम को क्या मान रहा हूं मैं एरिया इंटू लेंथ, लेंथ में यूनिट लेंथ मान के कर रहा हूं, तो इसीलिए आपको पता हाइट 10 दिया है और बी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो W क्या हो गया मेरा 250 बी, W क्या हो गया मेरा 250 इंटू। अब ये 250 बी है और ये 250 बी कितने पे एक्ट हो रहा होगा, इस बी बाय टू, क्योंकि आपका प्रोफाइल क्या है ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 इंटू बी इंटू बी बाय टू। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर देखोगे 250 इंटू बी स्क्वायर बाय टू। अब इसको वहां पे भेज दीजिए आप, ये क्या है 405 इंटू 3। तो अगर आप यहां से देखोगे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या कुछ, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितना बच जाएगा 125। तो बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे भेज देते हैं 405 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125, 403 इंटू 405 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125। अब देखो क्या मैं 405 को क्या मैं 81 इंटू 5 लिख सकता हूँ, देखो ऐसे करो 405 को क्या मैं 81 इंटू 5 लिख सकता हूँ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125। तो अगर यहाँ पे देखोगे 5 से 5 गया ये कितना बचा 25, तो b should be greater than 81 का स्क्वायर कितना 9, 5 का 25 का कितना 5 और root 3, तो 9 root 3 into divided by 5, 9 root 3 divided by 5, समझ में आया सभी को, 9 root 3 divided by 5 यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, चेक कर लीजिए, अगर किसी को भी डाउट है बताइए, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर है सभी को, बताएंगे जल्दी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो ये सवाल बहुत आसान था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होती तो ये सवाल बहुत आसान था, क्लियर है, हाँ या ना बताइए जल्दी से, आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रूट 3 अपॉन 5, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रूट 3 अपॉन 5। अब एक चीज ध्यान देना, आपको उसने ये जो 81 वाला है ये 405 क्यों दिया था, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए दिया था कि अगर आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करते ना तो थोड़ा आपके लिए लेंथी हो जाता। अब मैंने क्या किया, 405 को 81 इंटू 5 कर लिया, 81 इंटू 5 करने से क्या हो गया 125 और 5 कैंसिल आउट हो गया, 125 और 5 मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा मुझे पता चल गया कि 9 आएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां जो 9 की तरफ इशारा कर रहा है, तो 9 इंटू रूट 3 अपॉन 5, ठीक है, चलो ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाना चाहिए, क्लियर है, हाँ या ना में बताइए जल्दी से सभी लोग हाँ या ना में बताएंगे, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है, चलिए जल्दी से हाँ या ना में बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा, चलिए बताइए जल्दी से, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चलते हैं, देखते हैं, अब कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस में, आगे कभी भी आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से। टू डिसिपेट द एनर्जी अ फॉल इज प्रोवाइडेड इन अ कैनाल, अ फॉल विच हैज ग्रेजुअल कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व्स फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वॉटर एंड टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस एंड इम्पैक्ट इज अ, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए सर, वो क्या है, अगर कॉन्वेक्स और कॉन्केव की बात की है उसने, देखो ध्यान से सुनना, अगर फॉल में उसने कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात की है तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि सर वो ऑगी फॉल के बारे में बात कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है सर, ऑगी फॉल के बारे में बात कर रहा है, पहली चीज यही आपके दिमाग में आनी चाहिए, यही आपका आंसर होगा, 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर सही होना चाहिए, अगर उसने कॉन्वेक्स और कॉन्केव की, मैं बाकी फॉल को चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी देखो ना नॉच है, रैपिड है, स्टेप्ड है, यहाँ पे इनमें कोई
कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. टू डिसिपेट एनर्जी अ फॉल इज प्रोवाइडेड इन अ कैनाल, अ फॉल विच हैज ग्रेजुअल कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व्स फॉर स्मूथ ट्रांजिशन एंड इंपैक्ट. इसके लिए आपका ऑगी फॉल. तो मैं चेक ही नहीं करूंगा दूसरे ऑप्शन को, क्योंकि मुझे पता है सर इसका आंसर ऑगी फॉल ही होगा. ठीक है, चलिए बताइए ग्रेविटी डैम क्या होता है. ग्रेविटी डैम क्या होता है बताइए. चलिए यहां पे आंसर बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा. चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा. अब ग्रेविटी डैम मींस, ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है. अ डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अर्थ. अरे ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है, गलत कीजिए. ऑल द फोर्सेज ड्यू टू वाटर वेव अपलिफ्ट एक्सेट्रा आर रेजिस्टेड बाय द वेट ऑफ द डैम. देखो कॉन्सेप्ट समझो, मान लीजिए ये आपका क्या है ग्रेविटी डैम है, ये आपका क्या है ग्रेविटी डैम है. देखो इस तरीके से मैं बना के आपको दिखा देता हूँ. अगर आपको थोड़ा एक अच्छा सा और इमेज चाहिए तो देखिए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा देता हूँ. चलो देखो देखो कुछ इस तरीके से ये होता है आपका, कुछ इस तरीके से मान लीजिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ ग्रेविटी डैम बोल रहा हूँ. ठीक है, ये है क्या मेरा ग्रेविटी डैम. अब इस ग्रेविटी डैम में क्या क्या फोर्सेस लगते हैं थोड़ा सा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं. देखो पहला तो है आपका क्या है पानी के कारण जो यहाँ पे लग रहा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो वाटर के कारण, ये पानी के कारण जो आपका लग रहा होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा होगा सर, कुछ इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ इस तरीके से ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो गया पहला. अब ये जो लग रहा होगा आपका थ्रू आउट, मतलब अगर यहां से यहां तक अगर आप देखोगे थ्रू आउट द डैम लग रहा होगा, ऐसा नहीं है. ये बस मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं, ये सामने से दिखा रहा हूं, ये थ्रू आउट द डैम जहां तक आपकी डैम की लेंथ है, थ्रू आउट द डैम आपका कुछ इस तरीके से ये फोर्स यहां पे लग रहा होगा. ठीक है, दूसरी चीज जो यहां पे आपकी लग रही होगी डैम पे वो आ रही होगी क्या अपलिफ्ट फोर्स. क्या आ रहा होगा यहां पे देखो कुछ इस तरीके से, यहां से क्या लग रहा होगा आपका अपलिफ्ट फोर्स लग रहा होगा. अब ये दो सबसे मेजर फोर्स होते हैं जो आपके डैम के ऊपर लगते हैं. अब देखो ये क्या करेगा, ये आपके डैम को ओवरटर्न करवाने की कोशिश करेगा. ये जो फोर्स है ना ये ओवरटर्न करवाने की कोशिश करेगा. ये क्या करेगा, ये आपका यहां से इस डैम को उठाने की कोशिश करेगा. मतलब आपका जो मेनली टो पोर्शन है, जो ये हिल पोर्शन है, यहां पर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा. अगर इस डैम को उठाने की कोशिश करेगा तो यहां पर क्या कर रहा होगा, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा. तो इन सभी को रजिस्ट कौन करेगा, आपके डैम का जो यहाँ पे एक सेल्फ वेट होगा ये सबको क्या करेगा रजिस्ट. ठीक है, तो यही आपका कुछ इस तरीके से आप डैम का स्ट्रक्चर देख सकते हो. क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर इज, रिजर्वायर का जो फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी हो क्या है. ठीक है, द फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर इज, बताइए जल्दी से. चलो ठीक है, चलिए बताइए. बेटा अमित यहाँ पे क्लास चल रही है, आप ऐसी चीजों को यहाँ मत बताइए, यहाँ पे क्लास चल रही है. ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए. ठीक है, चलो हाँ ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये सब चीजों की बातें मत कीजिए. ठीक है, चलिए. द फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर, रिजर्वायर की जो फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी वो क्या होती है, रिजर्वायर की फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है. चलिए चलिए बताइएगा. मैंने अभी बताया था जो फ्लड आता है वहां पे कुछ आपकी फ्लड की कुछ चेंजेस आता है, मैंने उसके बारे में बताया था. किसके किसके बीच में आता है, द स्टोरेज. अरे फिर से देखिए, अरे द स्टोरेज बिटवीन एफएसएल एंड एमडब्ल्यूएल, मैंने बताया था. अगर ये आपका मान लीजिए रिजर्वायर है, कुछ ये डैम है, तो ये आपका क्या है फुल सप्लाई लेवल बोल, फुल सप्लाई लेवल बोल रहे हैं, नॉर्मल पूल लेवल. और जब आपका फ्लड आ रहा था तो पानी कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा था, तो इसके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्लड अब्सॉर्प्शन होगा. वो फ्लड अब्सॉर्प्शन आपका होगा ना इसके बीच का, इन दोनों के बीच का. तो ये क्या है, ये मैक्सिमम वाटर लेवल है, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है. मैक्सिमम वाटर लेवल, फुल सप्लाई लेवल, जो नॉर्मल कंडीशन में उसको हम फुल सप्लाई लेवल बोल रहे हैं, और जो आपका जो फ्लड के टाइम पे आ रहा है उसको मैक्सिमम वाटर लेवल बोल रहे हैं. तो ये देखो द स्टोरेज बिटवीन एफएसएल एंड एमडब्ल्यूएल, द स्टोरेज बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड मैक्सिमम वाटर लेवल, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फ्लड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी.
ऑलरेडी हम आपको बता रखे हैं, तभी भी गलत करते हो, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे आपके डैम्स के भी सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वियर बराज एंड फेलियर, वियर बराज एंड फेलियर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, बताइएगा आंसर, आंसर बताइएगा। SSC JEE का आपका टेक प्लस नॉन टेक का धमाका बैच लॉन्च हो चुका है, लाइव बैच भी आ चुका है। आप जिस बैच में आप अपने अकॉर्डिंग जिससे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि धमाका बैच आपका प्री रिकॉर्डेड है, लाइव बैच में आपको लाइव में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर, कौन सा चैप्टर है सर ये? सर ये आपका थियरी ऑफ सीपेज, वियर बराज फेलियर भी आप बोल सकते हो। इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो ओरिजिनल बेड, देन द विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन इज, लॉन्चिंग एप्रॉन का विड्थ क्या होगा जल्दी से बताएंगे, विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन इज, लॉन्चिंग एप्रॉन का विड्थ क्या होगा जल्दी से बताएंगे। चलिए चलिए बताइए जल्दी से, लॉन्चिंग एप्रॉन का विड्थ क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कॉर बिलो ओरिजिनल बेड, देन द विड्थ ऑफ द लॉन्चिंग एप्रॉन इज जनरली एस, कितना होता है आपका 1.5 D होता है। अगर D आपका डेप्थ है तो विड्थ कितनी हो जाती है, 1.5 D हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्चिंग एप्रॉन की विड्थ कितनी हो जाती है, 1.5 D, याद रखिएगा, ठीक है। गलत मत किया कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। ये बताइएगा, अ स्ट्रक्चर विच टेक आउट सिल्ट फ्रॉम ए कैनाल इज कॉल्ड, कैनाल में से जो स्ट्रक्चर सिल्ट को, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैनाल में से सिल्ट को निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैनाल में से सिल्ट को निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैनाल में से सिल्ट को निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइएगा चारों ऑप्शन में से। सिल्ट एक्सप्लूडर, सिल्ट इजेक्टर, स्कॉरिंग स्लूस, किंग्स वेन, बताइए। चलिए चलिए, अ स्ट्रक्चर विच टेक आउट सिल्ट फ्रॉम द कैनाल इज कॉल्ड, ऐसा स्ट्रक्चर जो कैनाल से सिल्ट को हटाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बताइएगा जल्दी से, थोड़ा और सोचिए। सिल्ट एक्सक्लूडर बोलेंगे या सिल्ट इजेक्टर बोलेंगे, सिल्ट एक्सक्लूडर बोलेंगे या सिल्ट इजेक्टर बोलेंगे, थोड़ा सा सोच के बताइए बेटा, थोड़ा सा सोच के बताइए, सिल्ट इजेक्टर बोलेंगे या सिल्ट एक्सप्लोडर बोलेंगे, जल्दी से सोच के बताइए। चलिए बताइए, इजेक्टर बोलेंगे या एक्सप्लोडर बोलेंगे बेटा, थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। अ स्ट्रक्चर विच टेक्स आउट सिल्ट फ्रॉम ए कैनाल, कैनाल में से जो स्ट्रक्चर आपका सिल्ट निकालता है उसको हमेशा हम लोग सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर आपके कैनाल के हेड के सामने होता है, जो आपके कहां पे लगता है, जो आपका डायवर्जन वर्क बनता है ना उसमें जो लगता है उसको हम सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं। मतलब वो सिल्ट को एक्सक्लूड करके पानी को अंदर भेजता है, और कैनाल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना होता है, अगर मान लीजिए कुछ सिल्ट आ गया तो उसको हटाने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिल्ट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्ट इजेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत किया कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो कैनाल में से बोल रहा है ना, देखो ना, अ स्ट्रक्चर विच टेक्स आउट सिल्ट फ्रॉम ए कैनाल, कैनाल में से जो निकाल रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कैनाल में से जो निकाल रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे बताइएगा थर्ड का आंसर, बताइएगा जल्दी से, जल्दी से थर्ड का आंसर बताइएगा सभी बच्चे लोग। चलो देखो, हम क्वेश्चन हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दे रहे हैं, अब आंसर बताना आपका काम है, जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू ब्लिक्स क्रीप थियरी यूज इन द डिजाइन ऑफ द इंपर्वियस फ्लोर फॉर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पर्वियस सॉइल। ब्लिक्स थियरी के स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ब्लिक्स थियरी के हिसाब से यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसको बता दीजिए। पहला बोल रहा है, हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप लेंथ। हेड लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर रूट तो नहीं था, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट नहीं,
हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, हेड लॉस इज इनवर्सली. तो जो आपके ब्लिक्स ने बोला था, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ. ठीक है, चलिए सी ऑप्शन है आपका. हेड लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रीप लेंथ के. ये किसने बोला था आपके, ये आपके इसे इन्होंने बोला था, किसने, ब्लिक्स ने बोला था. ठीक है, तो ब्लिक्स ने क्या बोला था, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अ सिल्ट कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल्स प्रोवाइडेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेड रेगुलेटर एंड टर्मिनेटिंग नियर द अंडरफ्लो स्फीयर टू अलाउ द क्लियरर वाटर. अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या आएगा. तो आपका जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी भी बताया आपको दो चीजें कि आपका एसएससी जेई का दो तरीके का यहाँ पे बैच आपको देखने को मिलेगा. एक लाइव भी है, एक टेक प्लस नॉन टेक धमाका बैच है, और एक लाइव भी आपका टेक प्लस नॉन टेक रहेगा. मगर वो जो सर ने कल लॉन्च किया था आपका स्मार्ट कोर्स एसएससी जेई स्मार्ट, तो वहां पे बस आपको लाइव पढ़ाई जाएगी. और कल से मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इरीगेशन, और दूसरा सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो रहेगा आपका आरसीसी. ठीक है, तो दो सब्जेक्ट आपके वहां पे स्टार्ट हो रहा है, एक इरीगेशन शुरू हो रहा है, एक आपका आरसीसी शुरू हो रहा है. और नॉन टेक के भी दो सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके, एक है आपका ज्योग्राफी और एक है आपका क्या, रीजनिंग. तो ये चारों सब्जेक्ट आपके वहां पे अभी चल रहे हैं. तो अगर आप चाहते हो तो 1500 आपका प्राइस है. इसके बाद आपका क्या रहेगा, एक इरिगेशन चलेगा और यहाँ पे आपका क्या चलेगा, आरसीसी. 4-6 months की इसकी आपकी वैलिडिटी रहेगी. तो आप चाहते हो तो लाइव पूरा है, और बाद में आपको ये लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेगा. तो ये अगर आप चाहते हो तो यहाँ से परचेस कर सकते हो, 1500 प्राइस रहेगा. धमाका बैच आपका टोटली रिकॉर्डेड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, धमाका बैच आपका टोटली रिकॉर्डेड है. तो देखिए, अ सिल्ट कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल्स provided parallel to the axis of head regulator and terminating near the underslope sphere to allow clearer water. अब अगर मान लीजिए ये है, देखो ये कहां पे बोल रहा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल और किसके नीचे प्रोवाइड किया गया, अंडर स्लूस गेट. मतलब ये जो है ना, जैसे अगर आप ये देखोगे, ये रिवर है, तो ये रिवर पे जो आपने वियर या बैराज बनाया है, इसके नीचे यहाँ पे जो नंबर ऑफ टनल्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके बारे में बोल रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर. दो चीजें होती है, देखो हमेशा याद रखिएगा, कैनाल के अंदर से जो सिल्ट हटाता है उसको हम लोग सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं, और जो कैनाल के बाहर से, मतलब जो आपका वियर या बैराज के नीचे से वहां से सिल्ट हटाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर. दो चीजें आपको याद रखनी है, सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर. इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत करके आते हैं, बट आपको नहीं करना है. सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या होता है, साफ पानी कैनाल में भेजना. मगर अगर पानी में कुछ और सिल्ट रहेगा तो कैनाल के अंदर कुछ दूर पे हम क्या करते हैं, एक और डिवाइस लगाते हैं जिसकी मदद से जो कुछ एक्सेस सिल्ट है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर, ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. ठीक है, चलिए ये बताइएगा, चलिए इसका आंसर बताइएगा, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से. क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन फिफ्थ का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन फिफ्थ का सभी लोग आंसर बताएंगे. द क्रेस्ट ऑफ द डैश पोर्शन ऑफ द बियर इज केप्ट एट ए लोअर लेवल Then the crest of the normal portion of the beer. चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, हमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए. द क्रेस्ट ऑफ द डैश पोर्शन ऑफ द बियर, मतलब आपका क्रेस्ट ऑफ द किस पोर्शन का, बियर के किस पोर्शन का क्रेस्ट को हम लोग लोअर लेवल पे रखते हैं देन द क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द बियर. आंसर क्या होगा, ये देखो सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, चलो देखते हैं. एक ने दिया है, देखो एक बच्चे ने बोला है सर डी, एक ने बोला है ए, एक ने बोला है सी. तो भाई बी ने क्या पाप किया है, बी का भी नाम लिखी दो. बी ने कोई पाप थोड़ी ना किया है, तो बी का भी नाम लिखी दो, मैं लिख देता हूं, चलो बी. किसी का आंसर है क्या बी, हाँ किसी का आंसर है क्या बी, बी ने कोई पाप थोड़ी ना किया है, तो बी का भी नाम लिख दो, क्या बोलते हो. तो बी का भी यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सर, चलिए बताइए क्या आएगा आंसर. चलो अगर आपने डायवर्जन हेडवर्क पढ़ा होगा, डायवर्जन हेडवर्क होता क्या है सर, डायवर्जन हेडवर्क बहुत बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि होता क्या है. डायवर्जन हेडवर्क मतलब बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो एक आ गया विषय, एक हमारे में बी भी आ गया, चलो डी ए सी बी सभी आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी को कंसिडर करेंगे. डायवर्जन हेडवर्क मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा. मान लीजिए आपका एक रिवर है, ठीक है, ये कोई भी एक रिवर है, एक्स नाम ले लेते हैं हम, इस रिवर का नाम है एक्स. अब इस रिवर से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कैनाल को निकाल रहे हैं, मतलब एक कैनाल को वहां से डाइवर्ट करवा रहे हैं, कैनाल ऑफटेक करवा रहे हैं. तो जब वहां से आप कैनाल निकाल रहे हो तो आपको रिवर से कैनाल के अंदर पानी चाहिए. मगर एक चीज सोच सकते हो, क्या सर रिवर में थ्रू आउट द ईयर एक ही हाइट का पानी हमेशा अवेलेबल होगा क्या,
रिवर में थ्रू आउट द ईयर क्या सेम हाइट का आपको पानी हमेशा अवेलेबल मिलेगा या सेम वॉल्यूम आपको अवेलेबल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा जब आपका मॉनसून सीजन रहेगा तो पानी बढ़ जाएगा, जब मान लीजिए आपका समर सीजन आ गया तो पानी का लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। तो आप कैनाल में अगर आपको पानी चाहिए तो एक आपको सर्टन हाइट ऑफ वाटर तो यहाँ चाहिए ना, यहाँ पे एक सर्टन हाइट ऑफ वाटर चाहिए जिसकी मदद से आप क्या करोगे उस पानी को कैनाल में फ्लो करवा सकोगे। अगर आपके पास सर्टन हाइट ऑफ वाटर नहीं है तो आपका कैनाल में पानी तो आएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे आपका पानी का हम लोग वहां पे क्या करेंगे पानी की पॉन्डिंग करवाएंगे। पॉन्डिंग मतलब वहां पे पानी जमा करवाएंगे और इसी कंस्ट्रक्शन को क्या बोला गया है वियर या बैराज बोला गया है। यही जो कंस्ट्रक्शन आप करते हो इसको बोला जाता है पानी को डाइवर्ट करने के लिए डायवर्जन हेडवर्क। डायवर्जन हेडवर्क मतलब आपका वियर या बैराज, जैसे आपने सुना होगा कानपुर में गंगा बैराज है, नेपाल के पास जो आपका बॉर्डर है वहां पे कोसी बैराज है, रुड़की में बैराज है, तो वहां पे देखोगे आप बहुत बड़े बड़े कैनाल हमने वहां से क्या किए ऑफटेक करवाए हैं और उस कैनाल की मदद से छोटे छोटे कैनाल में पानी भेजते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डिवाइड वॉल देखने को मिलेगा। इस डिवाइड वॉल की मदद से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक स्टील पॉकेट ऑफ वाटर को क्रिएट करते हैं कि वो स्टील पॉकेट ऑफ वाटर में जितने भी आपके सिल्ट है वो हट जाए और साफ पानी आपके कैनाल में जाए। तो यहाँ पे जो आपका ये पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडर स्लूस पोर्शन। तो क्रेस्ट नॉर्मल क्रेस्ट से इसको नीचे रखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है अंडर स्लूस पोर्शन। द क्रेस्ट ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन ऑफ द वियर इज केप्ट एट ए लोअर लेवल देन द क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वियर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को बताइए? अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया होगा, देखो अभी भी ये बोल रहे हैं, अभी भी ये बोल रहे हैं, अभी भी ये बोल रहे हैं। चलो यही तुम्हारा मान लेते हैं, तुम्हारे लिए यही आंसर है बेटा। पॉन्डिंग का मतलब पॉन्ड लेवल मतलब एक अलग चीज है। पॉन्डिंग मतलब होता है किसी भी डैम या वियर या बैराज के पीछे जो पानी जमा करते हैं ना उसको हम लोग पॉन्डिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर हम पानी जमा नहीं करेंगे तो हाइट ऑफ वाटर, देखो अगर हमारे पास सफिशियंट हाइट ऑफ वाटर नहीं है तो यहाँ से यहाँ पानी फ्लो कैसे होगा? अगर मुझे यहाँ से यहाँ पानी फ्लो करवाना है तो मुझे वहां पे सफिशियंट हाइट ऑफ वाटर जमा करवाना पड़ेगा ना, तभी पानी फ्लो हो पाएगा। अब ये देखो फिश लैडर का मतलब क्या होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो फिश लैडर का मतलब क्या होता है सर, फिश लैडर आपका एक तरीके का क्या है स्ट्रक्चर है, क्यों बनाया जाता है? तो देखो क्या होता है आपके जो फिशेस है ना समर सीजन में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तरफ के जाते हैं, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तरफ जाते हैं। तो समर सीजन में क्या होगा आपके फिशेस इधर से इधर तो चले जाएंगे अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, बट स्प्रिंग सीजन में वापस उन फिशेस को फ्रेश वाटर के लिए आपका डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में आना पड़ता है। वापस वो फिशेस को आपके फ्रेश वाटर के लिए डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में आना पड़ता है। तो जब वो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तो आपने क्या बना दिया कंस्ट्रक्शन कर दिया है और वहां पे पानी की वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि जैसे गेट खोलोगे पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये फिशेस इस तरफ से इस तरफ आएंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जहां पे बीच में हम वेफल वॉल्स लगा देते हैं। और तो वेफल वॉल्स में से जब पानी फ्लो होता है तो पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो फिशेस है वो 3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा वेलोसिटी में डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वो डेथ कर जाएंगे, मतलब उनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। तो अगर एक्वेटिक लाइफ को ठीक रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा फिशेस को डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम साइड में अलाउ करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं वहां पे फिश लैडर नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आपके वेफल वॉल्स लगे होते हैं जो पानी की वेलोसिटी को कम करता है और फिशेस उस वॉल्स की उस फिश लैडर की मदद से उठ के कहां पे आ सकते हैं अपस्ट्रीम साइड में आ सकते हैं। तो ये आपका कारण होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो फिशेस को हेल्प करता है डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिश लैडर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिश लैडर। डिवाइड वॉल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, डिवाइड वॉल मतलब यहां पे आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो ये अंडर स्लूस पोर्शन और नॉर्मल वियर को अलग करने के लिए। और यहां पे हम क्या करते हैं इस कैनाल के सामने स्टील पॉकेट ऑफ वाटर बनाते हैं। क्या स्टील पॉकेट मतलब शांत पानी जिससे हम क्या हो सके जो भी आपका सिल्ट है वो वहां पे जमा हो जाए और आपका जो साफ पानी है वो कैनाल में हम लोग डाइवर्ट करवा सके। तो ये चारों का मतलब होता है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है आपका अंडर स्लूस पोर्शन। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा, चलिए बताइए। अ डायवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर विद ए हेडिंग अप ऑफ वाटर इफेक्टेड बाय गेट्स अलोन इज कॉल्ड, चलिए बताइए यहां पे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए जल्दी से, आई होप आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन ही है शायद, देख लेते हैं, आई होप आपका लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज का। हाँ,
लास्ट क्वेश्चन ही है ये, एक ही घंटे का आज का सेशन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन ही है आपका। चलिए बता दीजिए जल्दी से। चलिए हमारे पास आंसर आ चुके हैं कुछ बच्चों के। देखो अब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं दो चीजों के बीच में। सर किसके किसके बीच में? सर वियर एंड बराज। सर वियर और बराज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो वियर में क्या होता है, जो हम मेजर पॉन्डिंग करवाते हैं, मान लीजिए ये आपका जो क्रेस्ट है ये क्रेस्ट वॉल है और यहाँ पे क्या रहता है, एक छोटा सा गेट रहता है। तो वियर में जो हम मेजर पॉन्डिंग करवाते हैं वो इस क्रेस्ट वॉल की मदद से करवाते हैं। ये जो आपका क्रेस्ट वॉल है ना, तो वियर में जो आपकी मेजर पॉन्डिंग होती है, पॉन्डिंग मतलब पानी के लेवल को बढ़ाना, तो पॉन्डिंग जो मेजर पॉन्डिंग होती है वियर में, ये हम किसकी मदद से करते हैं? क्रेस्ट वॉल। और इसके ऊपर एक छोटा सा गेट लगा होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है? छोटा सा गेट लगा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे वराज का मतलब क्या होता है, बराज का मतलब आपका होता है कि यहाँ पे जो आपका क्रेस्ट वॉल है ये बहुत छोटा होता है और यहाँ पे आपका गेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो जो भी आप मेजर पॉन्डिंग यहाँ पे करवाते हो किसकी मदद से करवाते हो? गेट्स की मदद से करवाते हो। तो जो भी यहाँ पे मेजर पॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी वो किसकी मदद से देखने को मिलेगी? गेट्स की मदद से आपको मेजर पॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अ डायवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर। देखो पहली चीज तो क्या बोला है, एक डायवर्जन हेडवर्क बोला है जो आप रिवर के अक्रॉस बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक डायवर्जन हेडवर्क बना लिया जो रिवर के अक्रॉस है, विथ हेडिंग अप ऑफ वाटर इफेक्टेड बाय गेट्स। ये देखो हेडिंग अप ऑफ वाटर सिर्फ किसकी किससे इफेक्ट हो रहा है? सिर्फ गेट्स की मदद से। अगर आपका हेडिंग अप ऑफ वाटर इफेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बराज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बराज। दीपक 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 एक बार अपना आंसर चेक कीजिएगा, एक बार अपना आंसर चेक कीजिएगा। दीपक जी एक बार अपना आंसर चेक कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बराज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बराज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बराज बोलते हैं। बराज की मदद से आप क्या करते हो? मेजर पॉन्डिंग। अब दोनों में से सर बढ़िया कौन होता है? तो जनरली आपका बराज थोड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपका क्या है, इसमें अगर वियर में अगर आप देखोगे, जब तक आपका पानी यहां तक नहीं भरेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपको पानी को यहां से यहां, मतलब पानी को कम करना है या पानी को आपको भेजना है सामने, तो जब तक आपका पानी यहां तक फिल नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि गेट से यहां पे बहुत छोटा होता है। तो वियर अगर आप जनरली देखोगे तो छोटे मोटे जगह पे देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं वहां पे जनरली आपको क्या देखने को मिलता है? बराज। क्योंकि बराज में क्या है, गेट्स अगर बड़े हैं तो हमारे हाथ में क्या है, पानी का फ्लो का कंट्रोल है। अगर हम चाहेंगे गेट्स खोल तो पानी अपना फ्लो कर जाएगा। अगर आप गेट बंद रखोगे तो आप वहां पॉन्डिंग करवा सकते हो और बाद में आप उसी पानी को डाइवर्ट कर दोगे किसमें? आपके कैनाल में। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये थे आपके और दो चैप्टर। कल आपका लास्ट चैप्टर बचा है जो है आपका क्या, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे रिवर ड्रेनिंग वर्क हो गए, क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गए, ये सब जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स या कैनाल फॉल्स या जो कैनाल रेगुलेशन वर्क्स हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स है वो आपको वहाँ पे कल देखने को मिलेंगे। और कल का मोस्टली हमारा लास्ट लेक्चर होगा इरीगेशन और हाइड्रोलॉजी। जितने भी क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने आपको बता दिए, जितने भी यहाँ पे बताए जा सकते थे। बाकी अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप 1500 में जो आपका लाइव बैच है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप धमाका बैच भी ले सकते हैं। वहां पे कल से मैं इरिगेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आइए और बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई है इससे भी बेहतरीन तरीके से और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। यहाँ पे तो हम डिटेल में नहीं पढ़ पाए क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारे पास लिमिटेड थे। वहां पे हम क्या है, पूरी की पूरी थियोरी को बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आपके अगर कुछ डाउट्स है तो हमें बताइए, और नहीं तो फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे, फिर कल मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग मिलेंगे और उसके बाद फिर वो आपका लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर होप सो जब मिलेंगे तब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से, कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, अगर आपका कुछ डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइएगा, चलिए ओके, चलो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। बोला क्या? हाँ बोल रहा है, बच्चे का बोल रहा है, एक मिनट।